health and fitness, nutritional information, beauty tips और regular product के video देखने के लिए our end user book के लाल subscribe button पे click कीजिए और हर एक video की notification पाने के लिए bell icon को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आयन और आप देख रहे हैं आवर इंड यूजर बुक। आज जो प्रोडक्ट का रिव्यू आपके सामने है वो है दो प्रोडक्ट। पहला वाला है मेरे राइट साइड में, ये है आयुष का, जो लिवर आयुष का एंटी मार्क्स टर्मरिक क्रीम, यानी हल्दियों का क्रीम है ये। और लेफ्ट साइड में है इसी प्रोडक्ट का, यानी टर्मरिक सोप। तो ये दो प्रोडक्ट लिवर आयुष की तरफ से बिल्कुल नया है। ये दो प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा था तो मैं सोचा था आपके सामने इसका रिव्यू कर दूं। पहले हम बात करते हैं इस क्रीम की। देखिए, ये क्रीम एक्चुअली जो क्रीम है ये एंटी मार्क्स टर्मरिक क्रीम है। हल्दियों का गुण बहुत ही जाना पहचाना है, बहुत लोग हल्दी इस्तेमाल करते हैं ऐसे ही मूंग में, मगर यहाँ पे लिवर आयुष ने हल्दी का ये इसमें क्रीम फॉर्म में लाया है। तो इसका जो खास बात है, इसमें सिर्फ हल्दी नहीं है, इसमें और क्या है, इसमें और जो महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे है आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कुमकुमादि तैलम। तो ये कुमकुमादि तैलम एक्चुअली यहाँ पे एक नहीं 14 हर्ब्स का और ऑयल का संमिश्रण है। तो ये जो फॉर्मुलेशन है यही फॉर्मुलेशन 5000 साल पुराना फॉर्मुलेशन है, जो लिवर आयुष ने खोज निकाला है, जो उनकी क्रीम में उन्होंने ऐड किया है। यहाँ पे देख सकते हैं कुमकुमादि तैलम के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ये मार्क्स को भी, दाग धब्बे को दूर करता है, स्किन मार्क्स को दूर करता है, स्किन टोन को थोड़ा ब्राइट करता है। और हल्दी एक नेचुरल एक फॉर्मुलेशन है जो हमारी स्किन में फंगल इन्फेक्शन को दूर करता है, डार्क स्पॉट को रिड्यूस करता है, एक नेचुरल एंटीबैक्टीरियल फॉर्मुलेशन भी है। तो यहाँ पे इसी बात उन्होंने दोहराया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि ये मेडिसिन किसकी सुपरविजन में बना है और यहाँ पे उनके बारे में डिटेल्स में बात किया गया है। यहाँ पे कंपनी ने कहा भी है कि बेस्ट रिजल्ट आपको पाना है तो ये क्रीम के साथ इसका फेस वॉश भी रेगुलर यूज करना चाहिए। फिलहाल मेरे पास तो फेस वॉश है नहीं, मैं क्रीम का ही इस्तेमाल कर रहा था तो इसी क्रीम के ही मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे इसका नेट वॉल्यूम है 25 ग्राम, और 25 ग्राम जो क्रीम है इसका कीमत आप देख सकते हैं, इसका जो कीमत है 70 रुपीज। तो 25 ग्राम का कीमत, जो क्रीम का वेट है उसका कीमत है 70 रुपीज। थोड़ा ये हेवी है बजट टू एस्पेक्ट रेशियो में, इसका बजट थोड़ा हाई है। यहाँ पे भी इसी चीज दौड़ा गया है और कंपनी का जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे दिया गया है, इस क्रीम को आप फेस और नेक में अच्छी तरीके से मसाज कीजिए और इसका जो बेस्ट रिजल्ट इसके फेस वॉश के साथ ही आपको मिल सकता है। कंपनी का जो भी दावा है, मेरा क्या राय है वो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये क्रीम अंदर से कैसा दिखता है। देखिए, बिल्कुल थोड़ा सॉफ्ट योलिस है, जिसको हम हल्का सा लेमन योलो बोल सकते हैं, इसी कलर का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रीम है और मैं आपको दिखा देती हूँ ये क्रीम कैसे दिखता है। ये क्रीम को आप ऐसी तरीके से स्किन में, यानी फेस में या नेक में अप्लाई करना, और हमेशा किसी भी क्रीम को यूज करना है तो सर्कुलेट मोड में, ये जो मैं कर रहा हूँ सर्कुलेट मोड में आपकी स्किन में इसको अप्लाई आप कीजिए। फेस और नेक यानी गर्दन में भी इस क्रीम को आप यूज कर सकते हैं। ये क्रीम एज ए टर्मरिक क्रीम के हिसाब से ये अच्छा है, इसका सुगंध भी बहुत अच्छा है और मेरे हिसाब से इनका जो दावा है, स्पेशली ये क्रीम का दावा क्या है, ये दावा है ये सिर्फ आपकी स्क्रीन से दाग धब्बे हटाएगा और स्किन को थोड़ा फेयरनेस भी स्किन में लाएगा। तो हेल्दी एक नेचुरल फेयरनेस के लिए बहुत जाना पहचाना हर्ब्स है, तो मेरे हिसाब से ये क्रीम अच्छा है। ये क्रीम डार्क स्पॉट को, ड्राफ्ट स्पॉट को रिड्यूस करता है। और रही बात फेयरनेस की, देखिए अगर आपका स्किन काला है तो 100% गोरा नहीं हो सकता, क्योंकि स्किन का जो मेलानिन्स है, आपका जो मेलानिन सिक्रेशन है वो नेचुरली ब्लैकिश है, यानी ज्यादा मेलानिन सिक्रेशन होता है। तो ये क्रीम की मदद से आप मेलानिन सिक्रेशन को ज्यादा कम नहीं कर सकते हैं, थोड़ा 1 टोन से 2 टोन आप गोरा दिख सकते हैं इस क्रीम की रेगुलर यूज से, मगर इससे ज्यादा उम्मीद मत कीजिए। और यहाँ पे जो डार्क स्पॉट रिडक्शन की बात कंपनी ने किया है, जी हाँ, ये क्रीम डार्क स्पॉट को रिड्यूस करता है और स्किन में छोटा पिंपल्स का प्रॉब्लम है, कुछ रैसेस है, इसको भी ये थोड़ा मिटाने में मदद करता है। ये क्रीम की
बेसिक जो नीड्स आपका हो सकता है ये क्रीम, आपकी स्किन में रेगुलर स्किन बेसिस क्रीम में आप यूज कर सकते हैं, और अगर आप फेस में हल्दी लगाना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं तो ये क्रीम आप यूज कर सकते हैं। मेंस और वोमेंस दोनों ही ये क्रीम यूज कर सकते हैं, ये एक आयुर्वेदिक क्रीम है तो इसका कोई साइड इफेक्ट मुझे नजर नहीं आया है। अब हम बात करते हैं इस क्रीम की जो चीज मुझे अच्छा नहीं लगा। देखिए यहाँ पे कंपनी ने बताया है ये ऑल सीजन क्रीम है, तो मेरे हिसाब से ये ऑल सीजन नहीं है। सर्दी के मौसम में अगर इसको क्रीम को यूज करेंगे आप तो स्किन में थोड़ा ड्राई सा फीलिंग्स महसूस हो सकता है, और थोड़ा टैन भी, यानी टैन नहीं जो खिंचाव सा होता है स्किन में एक्चुअली वो महसूस हो सकता है। तो मेरा सलाह ये है सर्दी के मौसम में आप इस क्रीम को यूज ना कीजिए, और क्रीम को बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए किसी भी क्रीम को फेस वॉश के बाद यूज कीजिए, एक बार रात में और एक बार सुबह में यूज कर सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं इस सोप की। एक्चुअली सोप या क्रीम बिल्कुल सेम टू सेम है, यहाँ पे थोड़ा फॉर्मुलेशन का चेंज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्मरिक भी है, हल्दी भी है आप देख सकते हैं, और यहाँ पे कुमकुम मलाकादी तैलम, यहाँ पे हर्ब्स थोड़ा चेंज हुआ है। यहाँ पे लिखा गया है नल्प मड़ाकादी तैलम, तो यहाँ पे हर्ब्स का थोड़ा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक्चुअली जो टर्मरिक का जो गुण है वही सेम टू सेम है, स्किन को प्यूरिफाई करता है, ये एक एंटीबैक्टीरियल हर्ब्स है जो भी है, मगर यहाँ पे जो इसका बात किया गया है इसमें भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑयल का उन्होंने इस्तेमाल किया है, जो ऑयल आपकी स्किन को स्वस्थ रख सकता है और आपकी स्किन की जो नेचुरल पीएच बैलेंस है उसको भी ये लॉक कर सकता है और स्किन को क्लियर भी बना सकता है। तो इसका जो गुण है वही यहाँ पे कंपनी ने दौड़ा है, और ये भी ये फॉर्मुलेशन उन्होंने 5000 साल की जो 5000 साल की जो रिसर्च है, आयुर्वेदिक रिसर्च, वहां से उन्होंने, यानी लीवर है उसने खोज निकाला है। इस सोप की जो नेट क्वांटिटी है, अब यहां मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सोप की नेट क्वांटिटी है 100 ग्राम। आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 ग्राम लिखा गया है, और हिंदुस्तान लीवर का लोगो भी दिया गया है, और यहाँ पे 100 ग्राम सोप की कीमत आप देख सकते हैं 31 रुपीज। तो ये 31 रुपीज में आपको मिल रहा है 100 ग्राम। तो हम सोप की बात करें, देखिए सोप मेरा मेरे हिसाब से ये नेचुरली ये सोप अच्छा है, मुझे यूज करते ये अच्छा लगा ये सोप, और ये सोप अगर रेगुलर बेसिस आप यूज करते हैं तो आपको भी ये अच्छा लगेगा, मगर सोप से कुछ ऐसा उम्मीद मत कीजिए जो यहाँ पे लिखा गया है ये प्यूरिफाइंग सोप है, टर्मरिक सोप है। हाँ ये स्किन को थोड़ा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, रैसेस, इचिंग, इससे ये अच्छा रख सकता है, मगर इससे फेयरनेस की बात आप भूल जाइए, सोप इस्तेमाल करके आपका स्किन फेयर नहीं हो सकता है। और एक बात, किसी भी सोप को फेस में मत यूज कीजिए, फेस में अगर यूज करना है तो हमेशा फेस वॉश को ही आप यूज कर सकते हैं। ये क्रीम और ये जो सोप है ये बिल्कुल सेम ही है, टर्मरिक बेस, आप चाहे तो इसको खरीद सकते हैं, जिसका बेस्ट बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और इसका जो एक्सपायरी डेट है ये 24 मंथ्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी ने लिखा गया है, यहाँ पे कंपनी की तरफ से यहाँ पे दिया गया है ये 24 मंथ्स, और मैन्युफैक्चरिंग डेट से ये चल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, आप अगर सोच रहे हैं ये इसको खरीदने की, आप बाजार से खरीद सकते हैं, बिग बाजार से खरीद सकते हैं, और इसका जो और फुल प्रोडक्ट है आयुष लिवर का जो मेरे पास है, सेफ्रॉन का जो क्रीम है, सेफ्रॉन का सोप है, इन सब का रिव्यू मेरे चैनल में है, नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर कार्ट में है, इवन जो आयुष लिवर का काउस घी जो सोप है इसका भी रिव्यू नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर कार्ट में है, आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कुछ सवाल है मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, और कंपनी से कुछ पूछना चाहते हैं तो ये रहा उनका कस्टमर केयर का टोल फ्री नंबर, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। वीडियो को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस तरीके की बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल में अक्सर आते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं आयन आपसे विदा लेती हूँ, हम फिर मिलेंगे बहुत जल्दी इसी चैनल में। नमस्कार।